हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कल नवरात्र है और थोड़ी बहुत हमको नवरात्र की शॉपिंग भी करनी है। ऑर्डर स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम अपने बड़े बेटे के साथ भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बहुत ना के बराबर मार्केट जाता है। तो आज मैंने उनको कन्विंस किया कि चलो, तो उनको भी थोड़ी बहुत बुक लेनी थी। तो आज हम मेरे हस्बैंड, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा मार्केट चल रहे हैं। तो बस फटाफट तैयार हो रही हूँ और बस निकलने वाली हूँ बाहर। मार्केट पहुंच चुके हैं और अब कुछ हम लोगों को फरारी टाइप का आइटम लेना है, और देखते हैं क्या लेते हैं। केला लेने आ रहे हैं। केला लेने आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी पार करने जा रहे हैं, तो भैया फोटो खींच लो। हेलो फ्रेंड्स, इसको पता नहीं है, ये सोच रहा है कि हम लोग इनकी फोटो खींच रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि मेरी ये ब्लॉग बन रही है। अच्छा, आप जय माता दी। सुबह हो चुकी है और कल रात में फ्रेंड्स आने के बाद हम इतना ज्यादा थक गए थे कि खाना खाए और तुरंत हम सो गए, और मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। और आज नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम नहा चुके हैं, मतलब नहा धो चुके हैं, एकदम अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं माता रानी की स्थापना करने और पूजा करने। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता दूं कि मैं, मतलब, कलश नहीं रखती हूँ, मतलब मैं स्थापना नहीं करती हूँ, केवल माता जी की 9 दिन पूजा ही करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बिजनेस है तो बिजी कहीं ना कहीं रहती हूँ, तो मैं सोचती, मतलब मुझसे उतना हो नहीं पाता है। और लोग हिंदू रीति रिवाज में ये कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो मैं मुझसे जितना होता है मैं बस उतना करती हूँ। नारियल रखती हूँ, चुदी चढ़ाती हूँ, तो जो भी कुछ है वो तो अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा ही। और बने रहिए आज। एक बात बता दूं कि इसमें माता रानी के मैं सारे कपड़े रखती हूँ, और इसमें तरीके तरह की, मतलब तरह तरह की चुनरियाँ और उनके ड्रेस सारे रखती हूँ, तो मैं इसमें से भी ड्रेस निकाल ले रही हूँ। वैसे आज दोपहर में मैंने सोचा था कि मैं जल्दी क्या करती हूँ, जैसे चुनरी प्रिंट का कोई भी कपड़ा रहता है, नया बचा रहता है, तो मैं उसको, मतलब, रखी रहती हूँ, तो उससे भी हम लोग बना लेते हैं लहंगा। और रेडीमेड व्यवस्था तो है ही, आप जान ही रहे हैं इस समय। तो देखते हैं कि आज क्या पहनाते हैं माता रानी को। ये चौकी मैं लखनऊ गई थी तो मैं वहां से लेके आई थी, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चौकी मैं लखनऊ से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये चौकी मैंने लखनऊ से लाई थी मैं, और ये चौकी मेरे हस्बैंड ने क्रिएट की है, बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं ये सिंपल सा एक पटरा है और उसमें चार ठो कील मतलब ठोक करके बनाई गई है, और बस ये नॉर्मली जो बच्चों वाला पेपर होता है, मतलब इस पेपर को क्या कहते हैं, क्राफ्ट पेपर, उसी पेपर को चिपका करके इस चौकी को बनाई गई है। तो ये बड़ा मेरे काम में आती है। और इसी तरीके से एक चौकी इसके अंदर भी रखी, पर अभी आपको दिख नहीं पा रही होगी वो चौकी। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी इस तरीके से हम लोग घर में ही बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं। जैसा कि मेरी पूजा इस समय हो चुकी है और अब मैं चलने वाली हूँ किचन में, और किचन में अभी मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, केवल चाय और मूंगफली फ्राई करने वाली हूँ। और क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का बहुत ज़्यादा कुछ मन नहीं कहता है, दोपहर में जो बनाना होगा फरारी टाइप का कुछ आइटम बनाएंगे, पर अभी थोड़ी सी मूंगफली और चाय बनाने चलते हैं। तो चलते हैं किचन में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं किचन में, और आप देख रहे हैं कि बॉयल आलू रखी हुई है। हमारे यहाँ व्रत में अगर बॉयल आलू का फरहार ना बने, मतलब आलू फ्राई ना हो, तो व्रत बेकार। हमारे ये कंपलसरी आइटम है, लोग आलू फ्राई जरूर खाते हैं, तो जरूर खाते हैं, उसके बाद चाहे जो खाना हो। मगर मेरे पति देव कैसे बहाल, मेरे घर में सब व्रत रहते हैं, खाली मेरे दोनों बच्चे छोड़ के मम्मी भी रहती, ये भी रहते, हम भी रहते, तीनों लोग रहते हैं। और बॉयल आलू के बिना किसी का पेट उठ नहीं भरता मेरे घर में, सच्चाई तो यही है। बनाने जा रहे थे मूंगफली, पर पार्लर में आ गए कस्टमर, तो पहले कस्टमर को डील करने के बाद ही मूंगफली उंगफली फ्राई होगी। क्या चाहिए? फाइनली हम फिर से किचन में आ गए, और अब फिर से मैं घी फ्राई कर मतलब गर्म कर रही हूँ, और मैं फिर से मूंगफली मतलब बनाने जा रही हूँ, मतलब तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए बिजनेस वाले घर का हाल, बस कोई काम करने चलते हैं कोई और कलर में कोई और आ जाता है, तो फिर हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए बहुत हौच पौच रहती है पूरे दिन हमारे घर में, बहुत ज्यादा हम लोग एकाग्र होके कोई घर का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बस जैसे तैसे निपटता है पूरा दिन। मम्मी मिर्चा दे दो यार।
फाइनली देख सकते हैं चाय सबकी रेडी हो गई, सब लोग अपना अपना फरहार खा रहे हैं, मम्मी वहाँ खा रही हैं और हम दोनों लोग जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो फाइनली हम यहीं पे अपना ये ब्लॉग खत्म करते हैं और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।